हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक उंगली से चंद्रकोश लहरा बजाना सीखेंगे। किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले लहरा बजाया जाता है, इसलिए लहरा का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए पहले लहरा का आनंद लेते हैं, इसके बाद एक उंगली से आप लोग को लहरा बताएंगे ताकि आसानी से लहरा को बजा सकें। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह सोलह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह सोलह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह सोलह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह सोलह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह सोलह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह सोलह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह सोलह। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी देखते हैं इस लहरा को कैसे बजाएंगे। ये स्वर है सा, आपको गिनती से भी बताएंगे और सरगम से भी बताएंगे, सही है। इसको चार बार दबाना है, सा 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 नी धा नी सा। फिर देखिए इसको चार बार बजाइए, सा 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 नी धा नी सा नी धा मा ग सा ग सा। इसको एक गिनती बोलना है, ग सा सा ग से बजाना इसको कैसे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह ऐसे करना, बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह सोलह। एक दो चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। यहाँ से शुरू करना है और फिर यहीं पे सम आके गिरना चाहिए, सही है। जैसे सा 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 नी धा नी सा
सा ग म ध नि सा सत्रह सत्रह रीड लगता है, लेकिन गिनती हम लोग करते हैं सोलह। इसको दोनों को एक मान लेते हैं, जैसे बारह बारह है ना, बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ए, सही है। जब उंगली बैठ जाए तो म्यूजिक के साथ बजाइए। Thank you.
फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल का घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।